अस्सलामुअलैकुम। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे कुरान शरीफ के आदाबो एहतराम का। कुरान शरीफ शोर से पढ़ना अफजल है, जबकि किसी नमाजी या बीमार या सोने वाले को तकलीफ न पहुँचे। और दीवारें और मेहराबों पर कुरान मजीद लिखना अच्छा नहीं, और कुरान शरीफ पढ़कर भुला देना गुनाह है। वह कयामत के दिन अंधा कोढ़ी होकर उठेगा, और कुरान शरीफ की तरफ पीठ न की जाए, न पाँव फैलाया जाए, न पाँव इससे ऊंचा करें, न यह करें कि खुद ऊंची जगह पर हो और कुरान शरीफ नीचे हो, और कुरान शरीफ के ऊपर कोई किताब न रखी जाए, अगरचे किताब हदीस की हो, और कुरान शरीफ पुराना या बोसदा हो गया कि पढ़ने के काबिल न रहा तो किसी पाक कपड़े में लपेट कर एहतियात की जगह दफन कर दिया जाए, और दफन करने में इसके लिए लाहद यानी कब्र बनाई जाए ताकि इस पर मट्टी न पड़े, और पुराने कुरान शरीफ को जो पढ़ने के काबिल न रहा उसे दफन किया जाए, और कुरान शरीफ जिस संदूक यानी बॉक्स में हो उसके ऊपर कपड़ा वगैरह न रखा जाए। और अगर किसी ने महज खैरो बरकत के लिए कुरान शरीफ अपने घर में रख कर छोड़ा और तिलावत नहीं करता तो गुनाह नहीं, बल्कि इसकी यह नियत बाइस सवाब है। लेकिन कुरान शरीफ की तिलावत हर रोज करनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबा दें ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।